फ्रेंड्स, जय माता दी। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई 2024 से हो रही है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा जी का स्वरूप होती हैं। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई 2024 से हो रही। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माता की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में मां के 9 स्वरूपों की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग गुप्त नवरात्रि में पूरी विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ अम्बे को प्रसन्न हो जाती है और उन पर विशेष कृपा करती है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में माता रानी के भक्त सुबह शाम पूजा अर्चना कीर्तन और भोग लगा के माँ की आराधना करते हैं। ऐसे में अगर 9 दिनों तक माँ दुर्गा को खास चीज़ों का भोग लगाया जाए तो माँ जल्द प्रसन्न होती है, अपने भक्तों को सुख सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं। गुप्त नवरात्र में तंत्र साधना की जाती है। तंत्र विद्या में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। इन 10 महाविद्याओं की साधना और पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब जल्द ही गुप्त नवरात्र शुरू होने वाला है तो ऐसे में आप अपना ये मौका हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गुप्त नवरात्र 6 जुलाई से शुरू होगा। वहीं यह आषाढ़ महीने में मनाई जाती है। भक्तों को बता दें कि इस गुप्त नवरात्र में 9 दिनों की जगह 10 दिनों तक मनाई जाएगी, यानी कि इसका समापन 15 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्र में भी घट स्थापना, कलश स्थापना बहुत महत्व। इस साल घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ समय है 5:11 से शुरू होकर 7:26 तक रहेगा। अगर आप इस समय में माता रानी की पूजा नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं जो 7:26 तक रहेगा। अगर आप इस दिनवान माता की विधिवत पूजा करते हैं तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। 11 से शुरू होकर 12:00 तक रहेगा, यानी माँ के भक्तों के लिए कलश स्थापना का पूरा 1 घंटा मिलेगा अभिजीत मुहूर्त में। गुप्त नवरात्र पर इन चीज़ों को लगाए दो रोग। अगर आप रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो शैलपुत्री माता को घी से बनी चीज़ों को अर्पित करें। और द्वितीय दिवसीय यदि लंबी आयु के लिए आपको माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। फिर जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए देवी चंद्र घंटा को दूध और दूध से बने पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। चतुर्तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता को स्वस्थ रहने के लिए केले, आपको अपने स्वस्थ रहने के लिए केले का भोग अवश्य लगाएं। षष्ठी के दिन आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। सप्तमी के दिन संकटों से बचने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य लगाएं। अष्टमी पर संतान संबंधी परेशानी छुटकारा माँ गौरी को नारियल का भोग लगाएं। नवमी पर सुख समृद्धि के लिए माँ सिद्धरात्रि को हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की विधिवत पूजा स्नान करें। नवरात्रि के 9 दिन से पहले माँ जगदम्बे की मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। इसके बाद माता रानी के चरणों में 7 कौड़ियाँ, 7 कपूर, 7 लौंग अर्पित करें। पूजा के समय माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का आपको श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि रोजारा रात्रि काल रात्रि निश्चित काल मुहूर्त में देवी के आगे घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे आर्थिक संकट, शत्रु बाधा का नाश होता है। अगर आपके परिवार पर कोई सबद्ध से लंबे समय से बीमार है तो इस गुप्त नवरात्र माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प जरूर आप अर्पित करें। गुप्त नवरात्र के 9 दिन गोमती चक्र लेके माँ दुर्गा के पास एक नवरात्रि के अंतिम दिन पूजा करने के बाद वो गोमती चक्र लाल कपड़े में बांध कर धन रखने की मान्यता है कि इससे आपके आर्थिक संकट से छुटकारा पा जाएंगे। गुप्त नवरात्र रोजाना माता रानी को पूजा अवश्य करें। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो आपको गुप्त नवरात्र में ये सब उपाय आपको जरूर करना। गुप्त नवरात्र में दुर्गा सप्तमी के 12वें और 21वें में बार